हेलो, नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो किसान साथियों, मिर्च की रोपाई किए हुए लगभग 2 सप्ताह से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पौधा कितना प्रोग्रेस कर चुका है। साथ ही 2 सप्ताह के बाद हम लोग पौधों के किनारे किनारे मिट्टी लगा रहे हैं, यानी कि देहाती भाषा में बोलें तो कोड़ा या मांदा दे रहे हैं। तो वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कोड़ा या मांदा कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं पौधा दिखा देता हूँ। तो ये रहा हम लोगों का पौधा, आप लोग नज़दीक से देखिए। 2 सप्ताह के बाद आप लोग पौधा देख सकते हैं। पौधे के तने की मोटाई में वृद्धि हुई है और तने के पास से बहुत सारे पत्तियाँ और शाखाएँ भी निकल रही हैं और पौधा हम लोगों का विकास की ओर अग्रसर हो चुका है, विकास करना स्टार्ट कर चुका है। धीरे धीरे पौधा अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो रही पौधे के विकास की बात, तो इतना बढ़ जाता है 2 सप्ताह के बाद में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड़ा या मांदा के बारे में। तो आप लोग खेत देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। कोड़ा या मांदा देने के बाद कुछ इस प्रकार से पट्टी पट्टी टाइप से बन गया है। इसीलिए हम लोग बेड नहीं बनाते हैं रोपाई करने से पहले, केवल समतल ज़मीन में लगाते हैं। इसमें एक या दो बार और कोड़ा होगा तो यह और भी अच्छा सुंदर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग कोड़ा करवाए हैं। इस वाले वीडियो क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कोड़ा या मांदा हो रहा है। तो किनारे किनारे से कुदाली की सहायता से हम लोग मिट्टी उठाकर पौधे के साइड कुछ इस प्रकार से डाल रहे हैं, जिससे जो हम लोग खाद डाले हैं कोड़ा या मांदा से पहले वो अच्छे से ढक जाए। हाँ, खाद भी डाले हैं इस समय, रोपाई के वक्त भी खाद डाले थे। तो इस समय हम लोग कितनी मात्रा में खाद डाले हैं उसकी बात करें तो आप लोग देखिए वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग गोलाई में लगभग एक मुट्ठी का आधा हिस्सा एक पौधे के लिए डाल दिए हैं और उसके बाद हम लोग कोड़ा कर रहे हैं। कौन कौन सा खाद डाले हैं बताऊं तो यूरिया, DAP, NPK, म्यूरेट ऑफ पोटाश और SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। कितनी मात्रा में डाले हैं तो जैसे कि आप लोगों को बताऊं तो एक बोरी SSP लिए, उसमें एक बोरी DAP डाले, आधा बोरी NPK डाले, उसके बाद हम लोग आधा बोरी यूरिया डाले और म्यूरेट ऑफ पोटाश आधा बोरा का आधा मात्रा में ही डाले हैं, बाद में और डालेंगे। तो इन सब रासायनिक खादों को हम लोग आपस में मिक्स कर लिए हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों को बताया कि एक मुट्ठी का आधा मात्रा हम लोगों को एक पौधे के लिए डालना है, उसके बाद कोड़ा करना है कुछ इस प्रकार से। तो किसान साथियों, इस प्रकार से कोड़ा या मांदा हम लोग दे चुके हैं। देख सकते हैं खेत काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि 2 सप्ताह के बाद मिर्च का पौधा कितना बढ़ चुका है, साथ ही कोड़ा या मांदा भी हो चुका है, वो भी आप लोगों को दिखाया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बुरा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, यानी कि कुछ तो करिएगा, या तो लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिर्च की खेती से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोगों को समय समय पर मैं देते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।